गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग बड़ी की मात्रा वाले चैप्टर का अभ्यास करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन है जिसको आज हम लोग बनाएंगे। आप अपने बुक का पेज नंबर 15 ओपन कीजिए, ठीक है, और ध्यान से वीडियो में देखिए और आप भी इसको बनाइए, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए। वर्णों तथा बड़ी ई की मात्रा को जोड़कर शब्द बनाइए, ठीक है। इन वर्णों और ये बड़ी की मात्रा को जोड़ के हमें यहाँ लिखना है और शब्द बनाना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है म जोड़ क जोड़ ड़ जो बड़ी की मात्रा, तो इसको हम मिला के लिखेंगे। सबसे पहले क्या है, म है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, म लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्या है बच्चों, क है, तो हम क्या लिखेंगे, क। उसके बाद क्या है, ड, तो हम लिखेंगे ड, ठीक है। और इसमें हम लगा देंगे बड़ी की मात्रा। अब इसको पढ़िए, ये क्या बन गया, मकड़ी, मकड़ी, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए दूसरा शब्द है। सबसे पहले क्या है, प, तो यहाँ हम लिखेंगे प। फिर है प, तो यहाँ फिर हम लिखेंगे प। इसमें ये बड़ी की मात्रा हम लगा देंगे ऐसे। फिर त में आ की मात्रा, ता, पपीता, पपीता क्या बन गया, पपीता। ये देखिए तीसरा नंबर है, इसमें क्या है, सबसे पहले छ, तो हम क्या लिखेंगे, छ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, ब है, तो हम क्या लिखेंगे, ब। फिर ब में बड़ी की मात्रा लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या है बच्चों, ल है, तो हम क्या लिखेंगे, ल लिखेंगे, ल में बड़ी की मात्रा लगाएंगे। देखिए क्या बन गया, छ बी ली, छबीली, ठीक है। चलिए अब चौथा नंबर देखिए। सबसे पहले म, तो यहाँ हम लिखेंगे म। उसके बाद ह में आ की मात्रा, हा, तो हम लिखेंगे हा। फिर है र में आ की मात्रा, रा, तो हम भी लिखेंगे रा। फिर न लिखेंगे और न में लगा देंगे बड़ी की मात्रा, महारानी, महारानी क्या बन गया बच्चों, महारानी, ठीक है। अब पांचवा नंबर देखिए, द, द लिखेंगे, फिर ये मात्रा लगाएंगे बड़ी की, दी, प, प में आ की मात्रा, फिर वो है तो वो लिखेंगे। फिर क्या है बच्चों, ल, तो हम यहाँ लिखेंगे ल, फिर बड़ी की मात्रा। चलिए इसको पढ़ते हैं, क्या बन गया, दी पा वो ली, दीपावली। चलिए इन शब्दों को पढ़ा जाए, पढ़िए आप लोग मेरे बाद, आप लोग भी पढ़िए। मकड़ी, मकड़ी, पपीता, पपीता, छबीली, छबीली, महारानी, महारानी, दीपावली, दीपावली। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, चित्र देखकर उनके नाम पर टिक कीजिए, ठीक है। ये चित्र देखना है और यहाँ पे दो नाम है, ठीक है बच्चों। तो जो नाम ये चित्र के लिए सही है, जिस चीज़ का ये चित्र है उसके नाम पे हमको क्या करना है, टिक करना है, ठीक है। इन सब चित्रों को पहचानना है और उनके नाम पे क्या करना है, टिक करना है, ओके बच्चों। तो चलिए देखते हैं, आप लोग इसको पहचानिए, किस चीज़ का चित्र है बच्चों, मकड़ी, मकड़ी है। तो यहाँ देखिए मकड़ी, ककड़ी, तो कौन सा शब्द सही है, ये मकड़ी। तो हम लोग किस पे टिक करेंगे, मकड़ी वाले बॉक्स में टिक कर देंगे, ठीक है बच्चों। ये देखिए हठीली,
पतीली। तो ये हठीली तो नहीं है बच्चों, ये क्या है? पतीली। क्या है बच्चों? पतीली। तो हम लोग इसमें टिक करेंगे, इसके बॉक्स में हम लोग क्या करेंगे बच्चों? टिक कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये तरकारी बासमती। तो बासमती तो ये नहीं है बच्चों, ये क्या है? तरकारी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बॉक्स में टिक कर देंगे। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट पिक्चर। ये क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए आप लोग, किस चीज़ का पिक्चर है? पगड़ी है कि रबड़ी है? क्या है बच्चों? यस बच्चों, ये पगड़ी है। क्या है? पगड़ी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें टिक करेंगे। ओके बच्चों, दूसरा खिड़की चक्री। तो ये खिड़की है बच्चों, नहीं ना, ये खिड़की तो नहीं है, ये क्या है? चक्री। तो हम लोग किस में टिक करेंगे? चक्री में। ठीक है, ये देखिए महारानी चमकीली। तो ये महारानी है कि चमकीली है? क्या है बच्चों? महारानी है। क्या है? महारानी। तो किस में हम लोग टिक करेंगे? महारानी वाले बॉक्स में। ओके बच्चों, ग नंबर है सुंदर सुंदर लिखिए। रसीली रसीली। लकड़ी लकड़ी। बासमती बासमती। बीमारी बीमारी। नमकीन नमकीन। नाशपाती नाशपाती। इन शब्दों को आप लोग अपनी नोटबुक में अच्छी राइटिंग में लिखने का प्रयास करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।